गाइस व्हाट्स अप, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत सारा स्वागत है इस जगह से। अब चलते हैं हम लोग रोहतांग से आगे, बहुत मजे करने वाले हैं, बहुत मस्ती करने वाले हैं। बर्फ से जाने वाली है यहाँ खेल खेल के। आप गाना गाइए, कौन सा वीडियो बना रहे हैं? जमी सो गई बर्फ की चादरों में, हर एक नाजुक सी दो दिलों, हवाएं सनसनाए बदन कांप जाए, ये हम आ गए हैं कहां। सो दोस्तों, अभी यहाँ देखो कैसे स्नो को काट के हटाया जा रहा है एक तरफ से, दूसरी तरफ मारियो मत ना। कान बंद हो रहा है, वो लो प्रेशर को, ऑक्सीजन कम है ना। चलो नीचे चलते हैं अपन, प्लेन में भी ऑक्सीजन कम होता है तो होता है। अरे तो रोने लग गई थी एरोप्लेन में, एयर होस्टेस आके बनाई, मतलब क्या बता। जाते ये वाटरफॉल का दर्शन दोबारा कर लेते, कल अपन यहीं आए हुए थे। बाप रे, पूरा पानी घुस रहा अंदर, यहाँ से क्या सुंदर नजारा। मनीषा को जेरी की याद आ रही है, वो मना करा पूछा उसको। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं चंद्रा नदी, जो कि हमारा लद्दाख वाली रोड के किनारे किनारे है। और अभी तो खैर पूरा पानी गिर रहा है ना पहाड़ों से झरना, आप जहाँ तहाँ देखोगे वहाँ वहाँ झरना है, यहाँ झरना जैसे आपको मैंने दिखा दिया। फिर अगर आप थोड़ा आगे और देखोगे यहाँ भी आपको झरना दिखेगा, पीछे आपको और भी झरना दिखेगा। बहुत सुंदर नजारा था। अब नीतू दीदी हमारी गाड़ी में बैठ चुकी है, नीतू दीदी बहुत याद कर रही थी हम लोगों को। नीतू दीदी आज आपको कितना बार आई लव यू बोली है। और ये नदी जम जाता है गाइस ठंड में। सी द मेस्मराइजिंग व्यू ऑफ अटल टनल, कितना खूबसूरत है, मतलब वाकई में हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह जो कनेक्ट करता है। नहीं तो पहले तो रोहतांग पास कर, पता है आप सीधे जाएंगे ऐसे तो लद्दाख की तरफ ली, और इधर जाएंगे तो मनाली अटल टनल होके। चलो अपन चल रहे हैं मनाली। यार रुक दी, निकल जाएगी। चलो गाइस तो अपन अभी चलते हैं अटल टनल रोहतांग नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल की तरफ। और यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी फोटो आती है, और हवा कितना तेज है। सिर्फ आपको प्रकृति का एक सौंदर्य, लद्दाख में भी है ना। और यहाँ से अपन एंटर करेंगे अब कहाँ, अटल टनल। अटल टनल, वाओ। रुके हैं क्या ये लोग? ये है अटल टनल, जय माता। लगभग 8-9 किलोमीटर लंबा ये टनल, बहुत ही एक बेमिसाल। सो गाइस अभी आप देख सकते हो ये हेलमेट पहन के चाय पीने बैठी हुई है एक महान इंसान हमारे बीच। इनको वो हमारा खुद का भी नहीं है हेलमेट, इनको सलामी होनी चाहिए। और वो इस बाइक से हेलमेट खोल के, पुलिस वाले का है बाइक। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मनाली के मॉल रोड पे। अरे वो घूम गई जाएगी, पकड़ो। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, बाकी लोगों को। ओ भाई सब्सक्राइबर रो रही है नयादी को देख के। दो लोग मिले हैं अभी, और दो लोग से मिलवाऊं? कहाँ से हो? ये कैसे देख रही है? कहाँ से, कौन सी जगह से? सासाराम से हो? ये देखो एक और है, एक और है, मीशू भी है। बुलाओ बुलाओ। अरे यार अच्छा नहीं लगता ऐसे सब्सक्राइबर मिलकर रोते हैं तो। इनको देखो ताशी, कैसे करा मनीषा ने? अरे अब तो कोई पोछ ही नहीं रहा। आ भाई, आ मैं भी हूँ।
ऐसी वीडियो में आ जाएगा, ऐसी वीडियो में आ जाएगा रोने पे। तो यहाँ पे सब्सक्राइबर में बहुत इमोशनल हो जाती है, कुछ बोल ही नहीं पा रही है। मनीषा शॉपिंग कर करके सब थक गए हैं, तो यहाँ पे बैठी है। मैडम जी क्या बेच रहे हो? टोपी पहनाने का काम मत करो, घर ये फ्री में ले जाओ, घर ये फ्री में ले जाओ, मेरी दुकान है। हाँ लेकिन वैसे यहाँ पे 14 डिग्री टेम्परेचर है, बट लग नहीं रहा 14 डिग्री वाला फीलिंग। 22 बारी हो चुकी है, अपन होटल को अलविदा कहें और अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। मनीषा भी मस्त रेडी हो चुकी है, देखो कितना सुंदर लग रही है, एकदम मस्त तैयार हो चुकी है। अच्छा रील बनाइए, अब यहाँ रील वील का सब सीजन चल रहा है। बहुत अच्छा ड्रेस लग रहा है मेरे को, और ये मनीषा ने लिया है कहाँ से? मॉल रोड से मनीषा ने लिया है। नेहा दीदी ने पसंद कराया, नेहा दीदी पसंद आई, खुद से पसंद आ गया था। नीतू दीदी की पसंद है, अच्छा लगता है पता है ये सब कलर प्रिंटेड है तो बहुत सुंदर लग रहा है। बाकी चलो गाइज अभी चलते हैं, मीशो यहाँ पे अलग चमक रही है, इनकी चेहरे की चमक से पता चल रहा है। चले बैठे गाड़ी में, अब आगे नदी के। गाइज अभी मनीषा की दुनिया तो आगे चल पड़ी है, और ये दुनिया अभी बहुत लंबी चलनी है। मनीषा यहाँ पे बैठी हुई है और आज बहुत प्यारी लग रही है। ये डे फोर है, तो पीछे गाना वाना चल रहा है और ऊपर आपको पहाड़ दिखते रहेंगे। पहाड़ है कि गंदा हो गया है, तो गंदा हो गया, थोड़ा गंदा हो गया, और बाहर सब क्या नजारा है भाई साहब। तो दोस्तों अभी ये बाहर का आप लोग नजारा देख सकते हो, इतना खूबसूरत सा, मतलब पूरा हरा भरा, बादलों में घुसा हुआ है पहाड़, बहुत प्यारा। क्या पीछे सब लोग अभी है तो एकदम मस्ती कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे इनको मिस्टर राज को पहाड़ बहुत ज्यादा पसंद है। उधर शूट कर रही है। तड़पता हुआ तुम्हें छोड़ दे, तब तू जब भी मेरे पास आना। और वैसे भी इसको उतना इंटरेस्ट नहीं है ब्लॉगिंग में आना, या बहुत कम बोलती है। अभी तो हमें कम बोलते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बोलना स्टार्ट कर दिया। और पीछे नेहा दीदी हमारी, तो चलते हैं यहाँ से और देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट ट्रिप कहाँ होने वाला है। मतलब अभी मनाली से लोग निकल गए फिलहाल, बाकी इनको देख सकते हैं अभी चुपचाप गाड़ी चला रहे हैं। तो अब रहने दो इस ब्लॉग को यहीं तक। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और आप सभी को बहुत सारा इंतजार है ना गिफ्ट अनबॉक्सिंग का वीडियो देखने का। तो हम लोग जैसे ही घर जाएंगे ना वैसे ही शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग का हमने कमेंट देखा था, कल आया था इंस्टा पे भी आया था कि दीदी आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है, वो वाला ब्लॉग जल्दी डालो। तो आप सभी को दिखाएंगे और इन्होंने मुझे क्या गिफ्ट किया वो अभी दिख रहा होगा आपको इस ब्लॉग में, क्योंकि अभी मैंने वो वियर किया हुआ है। तो रहने दो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।